कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। साइकोमेट्रिक में एक चीज की जरूरत थी। किसकी? यही नहीं चल रहा। साइकोमेट्रिक में फंस गए, बस दिमाग ना काम बना रहे अंकल, बना रहे बना यहाँ यहाँ मत बना भाई। अभी हम जा रहे हैं गाइस ओयो इस ओयो। अभी हम बजा आएगा ना भिड़ो। कितने का लगा? साढ़े चार का लगा। इतना मोटा मुंह देख कर बार कर देता भाई। जीडी क्लियर हो गया और क्या क्या क्लियर हुआ तुम्हें पता हमारी क्या हो रहा है? प्लेसमेंट है हाँ, और हम सिलेक्ट हो चुके हैं घर जाने के लिए। हेलो जी, कैसे आप लोग? होप यू आर सब सही होंगे। तो गाइस आप लोगों को पता है आज तुम्हारे भाई की यूनिफॉर्म हो चुकी है चेंज। क्या हाल है भाई? बढ़िया, ठीक ठाक। बढ़िया बढ़िया। तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि आज हो चुकी है हमारी यूनिफॉर्म चेंज, क्यों उससे पहले जो था सब सफेद सफेद, और अब मेरे भाई और हम सब लोग आ चुके हैं भाई किसमें, अब हम बन के बाबूजी आई थिंक जी बाबू। तो अब हम बच चुके हैं बाबूजी, और आज जो कॉलेज जाने का पर्पस हमारा क्या भाई बताएगा? क्या जी से मिलना? प्रधान जी से मिलना भाई, प्रधान जी, प्रधान जी से मिलना आज हमारा कॉलेज का पर्पस आने का। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम कॉलेज आए हैं, कॉलेज में अभी स्टार्ट हो चुके प्लेसमेंट, अब हम देने आए प्लेसमेंट यहाँ पे। देखते हैं किस कौन सी कंपनी है जो हमें, भाई है तुम्हें उम्मीद है ना भाई? देख मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वे हमें भगा देंगे। नहीं भगा नहीं देगा, क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। मेरी नंबर और कितनी मांगी हुई है? 65,000। बच्चे निकलने लगे यही से, पहले ही निकलने लगे भाई। पहला बच्चा तो यही है जो बाहर हो गया, क्योंकि क्राइटेरिया इसका पूरा नहीं हो पा रहा। बाकी अब चलते हैं अंदर भाई, धीरे धीरे सब मिलते जाएंगे और आपको सबकी दिखाऊंगा किसकी कितनी औकात है, टॉपर वोपर सब फलाना डिगड़ा। ये कितना भाई खुश क्यों हो रहा है? ओ भाई टॉपर आ चुके हमारे बीच, क्या हाल है? हेलो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों? 4,00,000 रुपए का इसका तो लग गया भाई, 4,50,000 रुपए का प्लेसमेंट। अगर कौन सी क्लास में? साई क्लासेस, असाई लिमिटेड क्लास में लगा क्या? खिड़कियां साफ करेगा अब तू? पैसा बर्बाद अंकल, भगाओ ना आने वाले वो हम यहाँ के, फिर एल्युमिनाई की तरह बुलाओगे हमें? देख लो पहले यहीं पे हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है, ताकि हम वहाँ पे जाके और इतना फील हो जाए हमें, कि इतना फील हो जाए कि भाई हम किसी के लायक नहीं है ना भाई। तो गाइज अभी बस चल रहे हैं अंदर, हमें ब्लॉक में बुलाया गया, वहाँ पे एक कंप्यूटिंग ब्लॉक में हमें अंदर बुलाया गया। देन आफ्टर हम बैठ के अंदर बताते हैं आप लोगों को क्या सीन आज प्लेसमेंट का, मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ तो थैंक यू भाई, थैंक गाइस। मैं आप लोगों को मिलवा दूँ एक परेशान आत्मा, जो कि मतलब पूरे दिन पूरी शाम रात कुछ ही हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, ये कॉलेज आना नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, चाहे साला कॉलेज डूबने वाला हो रहा हो, बट ये नहीं छोड़ेगी कॉलेज आना। क्या पर्पज आने का? तुम्हारा तो कोई काम धंधा नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आज हमारा कॉलेज आने का पर्पज तो बताइए लोगों को, हमारी आज प्लेसमेंट है ट्रेनिंग। अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त, इतने दिनों बाद वैभव से मिले भाई। भाई क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। क्या पर फंसाने का आज? किसने? क्या हो गया मुंडी की उड़ी तुझे? क्यों कह रहे हो इतनी परसेंटेज है? मैंने कहा हां सर है आउट। क्यों? कितनी थी? मेरी उसमें 10th में कम है ना यार। अब समझ में आ रहा है, शुरुआत से ही पढ़ाई करनी चाहिए थी सेमेस्टर की। मतलब है? वो 10th के मार्क्स से जज कर रहा, लेकिन जो उसमें बीटेक और डिप्लोमा इतनी बढ़ गए, उनके पुस्तक भी लड़ा सकती है, उनके पुस्तक भी लड़ा सकती है। अरे बाबा, तो फिर हम क्या झोला पैक करें? क्या कह रहे? मैंने तो झोला खोला ही नहीं आज पूरे दिन। उन्होंने बिल्कुल प्यार से बोला, एक शख्स हो रहा है ये तो चलो खैर टॉपर है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तू भी रिजेक्ट हो गया? मैं तो अंदर गया नहीं। अच्छा तू गया क्यों नहीं? अभी जाऊंगा ना रिजेक्ट होने। तो गाइस बस अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और आप लोगों को दिखाते हैं रिजेक्ट करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। टैलेंटेड आदमी ही मिलेंगे हैं भाई, इन्हें टैलेंट की कदर नहीं है। टैलेंट गाड़ी। तो गाइज हमारा रिजेक्शन हो चुका है और अब हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि मेरी 10th में बहुत ही कम परसेंटेज है, और बस क्या कदर ही नहीं है ना टैलेंट का। मास्टर पहले से बताने से पहले यही डिसाइड कर दिया कि बस है। क्योंकि अब जब इन्हें टैलेंट की कदर ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं अब भाई। फिर कहाँ है वो मजदूरी का सामान वामान सब लेके चल। तो भाई अब मैं बता रहा हूँ, उधर जो दीवार टूटी हुई है ना, उधर दीवार टूटी हुई है, वहाँ पे मजदूर लग गए, तो अगर पूछ ले अगर चलो। अबे तुम तो साले इलेक्ट्रिकल वाले सिविल वालों का काम की देख रहे हो। कितनी चाहिए? अरे 60 above तो मेरी है नहीं। जाओ गाइस सामान उठाने चल रहे हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। गाड़ी उठाओ भाई। सुन जीडी में रिजेक्ट हो जाते इतना बुरा नहीं लग रहा अब, जितना बुरा ये बाहर से। जीडी को बहुत बुरा लगता है निर्भय से पूछना। निर्भय का जब भी वो मेरा हुआ तो उसका मुंह उतर गया।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। देना तो गाइस हमारे जो ब्लॉग में काफी दिनों बाद मतलब एक छोटा सा, इससे पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें छोटा सा इसकी झलक आई थी, बाकी ये बोलने लगी कि मेरे को भी अपने ब्लॉग में ले लिया अगर, तो अब इसको हम लेने जा रहे हैं। भाई मतलब क्या दिखा तेरे को, क्या दिखा तेरे को जो मेरे ब्लॉग में आना चाह रही है? तुझे पता नहीं मैं रोस्ट करता हूँ, फिर भी आना चाह रही है। मैंने कब बोला? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। भाई हमारे बीच दो सितारे और आ चुके हैं। कैसे हो भाई, कैसे हो, कैसा न हुआ भाई, दाढ़ी वाड़ी सब कटवाए? वी जॉन शेर, मक्खन शेर। भाई देख भाई की इंटरव्यू के लिए क्या जबरदस्त, क्या बोरी से निकाल गया भाई। अरे मैं तो टाई पहन के ही नहीं आया। कहाँ जाना है अभी, कहीं नहीं जाना, पहले टेंथ में मार्क्स बता कितने हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाइस अब सब लोग बाहर हो चुके हैं, मेरे जितने भी मेरे ग्रुप के बंदे थे सब लोग बाहर हो चुके हैं इसको छोड़ के। तुम्हें पता है ये हर जगह हमें धोखा दे देता है, इसकी एक बार और प्लेसमेंट लग गई थी एंड देन आफ्टर अब दोबारा फिर से लग गई इसकी, तो अब इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसे ग्रुप में से डिलीट ही कर दूंगा। तो गाइस अभी ना हम ऑफिशियली रिजेक्ट नहीं हुए थे, बस अब ऑफिशियली रिजेक्ट होने जा रहे हैं और मैंने ने बोल दिया कि भाई कुछ फायदा नहीं वहाँ जाके, देन आफ्टर बोल रहे कि नहीं भाई यहाँ पे अगर वापस चल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट इन्हें शौक है ना ऑफिशियली रिजेक्ट होना, भाई इतना बुरा लगेगा ना। भाई तू ऑफिशियली जो रिजेक्ट होने जा रहा है, ऑफिशियली तो होएगा रिजेक्ट, अभी तो तू अनऑफिशियली रिजेक्ट हुआ था, तो अब जब से तू ऑफिशियली रिजेक्ट होने जा रहा है टीचरों के सामने, तू अच्छा लगेगा, तू अच्छा लगेगा, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोल रहा है कि इतनी मेहनत करके मैं आया हूँ, कपड़े वपड़े पहन के, नहा के तो नहीं आया, पहले बताना चाहिए था ना, मैं 10 का मार्क्स सुधार के आता अपना। खैर गाइस हम जा रहे हैं, हम जल्दी से ऑफिशियली रिजेक्ट है भाई, ऑफिशियली जा रहे हैं हम अब रिजेक्ट होने। A few moments later. भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। साइड से चेहरे बोल रहे मैंने। सालों को बोल रहा हूँ कि साइड से चेहरे बना लो, हम रिजेक्ट हो चुके हैं, बट ये इतने खुश हो रहे हैं हम लोग अब फाइनली, अब मतलब ऑफिशियली हम लोग रिजेक्ट हो चुके हैं और अब हम हुआ था 12th में 100% मिला है। ठीक है तो गाइस ये प्रैक्टिकल देके आ रही है और हम ऑफिशियली अब रिजेक्ट हो चुके हैं प्लेसमेंट के लिए और इतना प्राउडली हमें फील हो रहा है, अब इतना प्राउड फील हो रहा है। सो गाइस जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग अभी आए हैं बेइज्जती होके और मतलब अब ये जो है ना ये बंदे बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ टाइम अकेला दे दो, मैं रोना चाहता हूँ, पीटना चाहता हूँ अपना सर। गाइस तीन मेहमान और आ चुके हैं हमारे बीच अब। क्या चल भाई, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। हाँ लगा दे, देरी कहीं पे लगा दे। कैसे हो, क्यों आए, और प्रैक्टिकल तुम्हारी प्रैक्टिकल है, तुम्हें पता हमारी क्या हो रहा है, प्लेसमेंट है। हाँ और हम सिलेक्ट हो चुके सच्ची घर जाने के लिए। भाई ये लड़का देख रहे हैं, ये सिलेक्ट हुआ है उसमें, ये लड़का हुआ सिलेक्ट उसमें, 4.5 लाख का पैकेज है, मुझे इसे कमा के देना है कॉलेज वाले को, ये भी घर जाने के लिए सिलेक्ट हुआ है। वीडियो बना रहे अंकल, बना रहे बना, भाई देखो कंटेंट खुद मेरे पास आ रहा है मेरे। अंकल ने हमें भगा दिया गाइस, और मतलब अगर आप इस कॉलेज से, कॉलेज में अगर आप लोग इसमें आओगे तो आप लोगों की आदत डालनी पड़ेगी, आपको लाइब्रेरी से भी कभी कभी तो क्लास से भी भगा देते इतने बेच रहे हैं, और यहाँ से तो भगा दिया, और मतलब ये फील मत करना पैसे पे करके हमारे बाप का कॉलेज है, ये तो हमें आज तक फील ही नहीं होने दिया। इतनी बार लाइब्रेरी से धक्के मार के भगाया गया ना, इतनी बार भगाया हुआ है, बस क्या बताए, फर्स्ट टाइम तो है नहीं, अब हमें आदत पड़ चुकी है यहाँ से भागने की हर जगह से। कोई नहीं, तुम लोगों को भी डल जाएगी आदत, बस जल्दी से जल्दी। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गाइस ओयो ओयो ओयो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहे। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे दोस्त जो प्रशांत है वो इंटरव्यू अभी दे के आया है, और उससे पूछते हैं उसने मतलब क्या क्या, मतलब जो इंटरव्यूअर ने उससे क्या क्या पूछा, तो अभी पूछते हैं भाई क्या रहा है। मोए मोए हो गया क्या भाई, मोए मोए तेरा मोए मोए हुआ क्या रहा, प्लेसमेंट हो गया है, ये हो गया क्या, कितने क्लास में कपड़ा मारा, जैन जी गाड़ी का कपड़ा मारेगा भाई, तेरा भी हो गया क्या है, इतना दुख मैं बाहर हुआ उसका भाई, था भाई जिन दिन तक नहीं था, तो भाई किस का हुआ, सच बताओ भाई इसका हुआ, इसका हुआ कितने का लगा, 4.5 का लगा, इतना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है,
ये लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हो गए। साइकोमेट्रिक फेल हो गए, दिमाग ना काम नहीं कर रहा। पांच पांच टेस्ट था भाई, जिस टेस्ट में जिस चीज की जरूरत थी वही नहीं चल पाया। पांच के बाद खत्म हो गए, बाहर तो बहुत देर के काट दिए थे हम शुरू में ही। इसका तो मुंह देख कर बाहर कर देता। मां मुझे काला क्यों बनाया? अभी तू कह रहा है ये सिलेक्ट होगा भाई, चल कह रहा क्यों पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? जो सिलेक्ट हुआ वो अंदर है, सबका मोह मोह हो गया। तो गाइस अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाहर हूं। कौन धोखा हुआ? उनका हुआ वो, वही मोए मोए हो गया हमारे दोस्तों। वो लोग चीटिंग करके लिख रहे थे और हम लोग मोए मोए कर रहे। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो अभी क्या हालत चल रही है हमारी प्लेसमेंट की। हम तो पहले ही बार हो चुके और हमारे ये इतने बच्चे थे ना, ये हमने चीटिंग नहीं करी बिल्कुल। एक नंबर से, एक नंबर से रह गए भाई। क्लियर हो गया भाई, जीडी क्लियर हो गया। और क्या क्या क्लियर हुआ? साइकोमेट्रिक में फंस गए, बस दिमाग ना काम नहीं कर रहा। खैर गाइस अब आप लोगों को पता ही क्या रहा है आज हमारे प्लेसमेंट का। बस अब नेक्स्ट कोई कंपनी आएगी उसमें ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या रहता है। तो व्लॉग को करते हैं यही पे एंड और मिलते हैं आप लोगों को जल्दी से, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आपको तो फिलहाल के लिए बाय बाय और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। बाय।